जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अभी तक वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को सरकारी अस्पतालों से लेकर सरकारी कार्यालय तक के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। सरकार ने अब पेंशन बनवाने की राह एकदम आसान कर दी है। अब विभाग के कर्मचारी घर पर जाकर पेंशन बनवाने की प्रक्रिया पूरी करेंगे और ये सब संभव हो पाया है PPP मॉडल यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। अभी तक बुजुर्गों को समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर साबित करना पड़ता था कि उनकी उम्र सत्यापित 60 वर्ष हो चुकी है। इसकी वार्षिक आय 1,80,000 तक रुक इससे कम अधिक परेशानी आयु सत्यापित करने को लेकर के होती थी। इसके लिए उन्हें सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे। डॉक्टरों के पास भी ऐसा कोई पैमान नहीं है जो उम्र सत्यापित कर सकें। ऐसे में शरीर से हष्ट पुष्ट लोग 60 साल की उम्र पूरी होने पर भी वृद्धावस्था पेंशन से वंचित रहते थे और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमजोर लोग पेंशन के पात्र बन जाते थे। बुजुर्गों को पेंशन बनवाने के लिए बार बार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे और पेंशन के लिए मंत्रियों से लेकर के विधायकों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है।